हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा है एसिडिटी की स्ट्रेंथ, देखा है अल्कोहल का, और उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एसिडिटी की स्ट्रेंथ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, बट इस बार सवाल हमने थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ है, आप चेक करिएगा। ये आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन है आपके सामने। इन 6 और ये जो 6 के 6 है, सबसे बड़ी बात ये कि सभी के सभी अल्कोहल है। यहाँ भी OH है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, इसमें भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। 6 टाइप के अल्कोहल आपके सामने हैं, स्ट्रक्चर में सभी डिफरेंट हैं, बट इसमें एक तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, उसके फॉर्म में इनको सेट करना होगा। दूसरा, इनको ये देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब दोनों बातों को क्लियर करने के लिए हमने आपको बताया है कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा। ये फंडा याद कर लीजिए, अल्कोहल के लिए रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, और एसिडिक नेचर उसका कम होगा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये क्वेश्चंस में आपको देखना है कि इनका ये इनकी डिग्री एक तो डिटरमाइन कर लीजिए, अगर डिग्री डिटरमाइन कर लेंगे अपोजिट सीधा कर दीजिएगा तो आपको इनकी रिएक्टिविटी या एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। रिएक्टिविटी चेक करिए, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा। अब देखिए, पहले तो इनका डिग्री चेक कर लीजिए। अगर इस एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में देखिएगा यहाँ पर ये CHOH यहाँ पर लगा हुआ है। अब सीधा देखिए ये OH, अगर इस H को हम पहले तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उस करके वीडियो को इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा चीज़ें अभी कुछ करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपके पास हो जाने चाहिए। यहाँ पे क्या है, इस एल्कोहल में CH2H है, इसके पास दो हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को हम क्या करें, कार्बन यहाँ पे दे दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दें, तो कुछ बुरा नहीं करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसकी डिग्री अगर डिटरमाइन करनी है तो जिस कार्बन से ये OH अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ये देखिएगा, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन ऑलरेडी 2-3 से अटैच है उसने मतलब, लेकिन जिससे OH अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये क्लियर है कि ये कितने डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा ये, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल भी है ये। तो ये डिग्री पता चल गई। इसके पास चलेंगे, सेकेंड के पास चलेंगे, इसमें ये CH2H है, इसका भी वही प्रोसीजर है। इसके दोनों H को हम एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ये देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। थर्ड के पास चलेंगे, ये भी कैसा है, जिस कार्बन से OH अटैच है ये देखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। अब इसके पास में आ जाइए, आप इसको बताइए, पुश करिए और आप इसको बताइए कि ये कितने डिग्री होगा। वीडियो पुश करके सभी लोग कमेंट में करेंगे कितने डिग्री अल्कोहल होगा, देखेंगे। चलिए, ये कार्बन OH ले गया है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, और ये कार्बन नीचे जो बेंजीन की रिंग है इससे भी तो यहाँ कार्बन बैठा है। देखिएगा ठीक से, कार्बन OH, ये कार्बन OH ले गया है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। नो डाउट, नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, चलिए NCERT इसको भी अलाउ करती, यहाँ पे कर दिया। अब बताइए, बॉन्ड कार्बन को कार्बन ही तो है भाई, और ये बेंजीन की रिंग जो है तो यहाँ पे कार्बन भी है ना, हाइड्रोजन रिप्लेस किया होगा तो ये ग्रुप लेके आया है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन फिर बॉन्ड बना, यानी ये कार्बन इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच, और यही कार्बन वहीं से अटैच है। तो कितने डिग्री होगा, जब अल्कोहल का ग्रुप दो कार्बन से अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। उसके पास फिफ्थ के पास चलेंगे, इसमें चेक करिएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, इसी के पास OH है, और इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये देख लीजिए, तो क्या हुआ, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन, एक इधर और एक इस साइड, जिससे OH अटैच है वो सिर्फ 2 ही है, तो ये भी कितना होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर, इसके पास चलेगा, इस कार्बन से OH अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन OH लेके आ रहा है, तो ये कार्बन एक ऊपर अटैच है, एक नीचे अटैच है,
और एक इस साइड में भी अटैच है, तो ये कार्बन इधर भी अटैच और एक इधर भी अटैच, तो तीन तीन कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच है, इसलिए कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या, तो आपने तो ये तो डिटरमाइन कर दिया, अब इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में सेट करने के लिए वो बोलता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो मैं बता रहा हूँ उसको, आप चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इनका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका क्या है इनका, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री, तो 1 डिग्री कहाँ कहाँ है, एक तो फर्स्ट है आपका 1 डिग्री, फर्स्ट, उसके बाद कौन है 1 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पे भी है, सेकेंड, उसके बाद कौन है 1 डिग्री, थर्ड, उसके बाद कौन है 1 डिग्री, कोई नहीं, ये ज़्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि इनके पास एल्काइल चेन कम होगी और आई प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा 2 और 3 के कंपेयर में, ये ज़्यादा होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 2 डिग्री कहाँ पे है, 1, 2, 3, तो 2 डिग्री आपका एक तो यहाँ पे फोर्थ के पास है, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ कैसा है, 2 डिग्री है, ये भी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इससे लो एसिडिक हो गया, और 3 डिग्री कहाँ है, सिर्फ एक ही है, 6, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ये होगा, और ऑप्शन में अगर आएगा तो आप क्वेश्चन चेक करके बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन चेंज कर देता है हर ईयर में। ये तो था एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, तो इसका सीधा अपोजिट रिएक्टिविटी होगी, यानी कि स्ट्रेंथ एसिडिक डिग्री ज़्यादा होने पे कम हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिएगा, तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसके पास अल्काइल की चेन ज़्यादा है, तो अल्काइल की चेन ज़्यादा होगी क्योंकि जिससे OH अटैच होगा वो 3-3 अल्काइल लेके आएगा, तो 3 डिग्री होगा तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा, और 3 डिग्री होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो एसिडिक नेचर उसकी डाउन हो जाएगी, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अपोजिट होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, दिमाग में रख के चलेगा, तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा। अब 3 डिग्री कौन कौन है आपके पास, एक तो 6 है, 1 लिखा है 6, तो 6 नंबर का जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद कौन है भाई, 4th और 5th, तो 4th और 5th ये होंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में सबसे लो रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आपका एक तो है फर्स्ट और दूसरा है सेकेंड और तीसरा है थर्ड। रिएक्टिविटी ऑर्डर 6 की ज़्यादा होगी और सेकेंड और फोर्थ की कम होगी, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड की कम होगी क्योंकि डिग्री चेंज होगी, और इनके पास अलग एसिडिक के पास में, तो एसिडिक 1, 2, 3 क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 4th और 5th 2 डिग्री अल्कोहल है इसलिए इनका कम, और ये 6 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है। आप इनको चेक करिएगा, और अगला जो वीडियो हमारा होने वाला है अब वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, और अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत आती है हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, या सॉलिड स्टेट से कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके दिमाग में अगर हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अपना टॉपिक डिटेल दीजिएगा, हम जितनी जल्दी होगा कोशिश करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।